जैसे कि अभी चल रही है सभी के घरों में दिवाली की सफाइयां, तो सभी के घरों में बहुत सारा कबाड़ा निकल रहा होगा। तो मेरे घर से भी बहुत सारा कबाड़ा निकला है, जिसका कि आज मैं यूज करके बनाऊंगी बहुत ही सुंदर सुंदर दिवाली के लिए डेकोरेशन के लिए कुछ आइटम्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड में से कुछ इस तरह की लोटस की शेप कट कर ली है, और ऐसे मैंने चार पीसेस कट किए हैं, दो छोटे और दो बड़े। फिर मैंने लिए हैं यहाँ पर वॉल पुट्टी का पेस्ट। इसमें मैंने सिर्फ पानी मिलाया है और वॉल पुट्टी है, और इसी से मैंने ये एक थिक पेस्ट रेडी कर लिया है, और इसके साइड एजेस में इसको अप्लाई कर दूंगी और एक लेयर मैं इसके ऊपर भी इसकी लगा दूंगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर इनको ड्राई हो जाने के लिए रख दिया है, और ऐसा मैंने चारों पीसेस के साथ किया है। अब ड्राई हो जाने के बाद मैंने लिया है यहाँ पर सैंड पेपर, और सैंड पेपर से इनको थोड़ा थोड़ा रब कर दिया है ताकि फिनिशिंग लुक दे। और फिर लिया मैंने यहाँ पर एमसील, और एमसील से कुछ इस तरह की स्ट्रिंग्स बना ली हैं। और आपको इसके साथ पाउडर ज़रूर यूज़ करना है, नहीं तो ये सारी जगह स्टिक होती रहेगी, बहुत स्टिकी होती है। और इनको 5 मिनट के लिए स्ट्रिंग्स को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इन जो छोटे वाले लोटस थे उनकी बाउंड्री बनाई है इससे एमसील की हेल्प से, और ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट किया। अगर आप ग्लू नहीं लगाएंगे तो ये बाद में निकलने के चांसेस रहते हैं। तो इसी के साथ साथ हमने छोटे वाले लोटस को कुछ इस तरह से रेडी किया है। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो बड़े वाले मेरे लोटस थे उनकी बाउंड्री बनाई है, और बीच में मैंने पेंसिल से लिख दिया था शुभ और लाभ, और इसको भी मैंने एमसील की हेल्प से कवर कर दिया था। और फिर इनको हम रख देंगे ड्राई हो जाने के लिए। अब हमारे चारों पीसेस हो गए हैं ड्राई। अब करेंगे इस पे जैसो का एक कोट। अगर आपके पास जैसो नहीं है तो आप इस पे वाइट एक्रेलिक कलर भी कर सकते हैं, और बेस कोट करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो जो ब्लैक आउटलाइनिंग है वो ब्लैक ही रहेगी, उस पे कलर जल्दी से आएगा नहीं, और मल्टीपल कोट्स हमें करने पड़ेंगे कलर के। तो ये देखिए हमने पहले वाइट कलर से इसको कलर कर दिया था, उसके बाद ड्राई कर लिया था। फिर मैंने लोटस के अंदर ये मेरे पास फूशिया कलर था, इसी से कलर किया है, और जो इसकी बाउंड्रीज हैं उसको मैंने किया है गोल्डन मेटालिक कलर से कलर। इसके कलर्स को ड्राई हो जाने के बाद मैंने लिए हैं कुछ मिरर्स। आप यहाँ पर किसी भी साइज एंड शेप के मिरर्स ले सकते हैं, और इसको अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। कुछ स्टोन वगैरह भी लगा सकते हैं, बॉल चेन वगैरह भी लगा सकते हैं, और ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है वैसे तो, क्योंकि इस पर कलर ही इतना प्यारा हुआ है। और ये देखिए मैंने कुछ मिरर्स लगाने के बाद इनको ड्राई हो जाने के लिए रख दिया था। यहाँ पर जो बड़े वाले लोटस थे उनकी सिर्फ बाउंड्री बनाई है इससे मिरर से, और जो छोटे वाले लोटस थे उनको मैंने पूरा ही फिल कर दिया है मिरर की हेल्प से, और इसी के साथ साथ ये बहुत ही सुंदर लगने लगे हैं। हमारे चारों ही पीस रेडी हो चुके हैं, अब बारी आती है इनको असेंबल करने की। तो यहाँ पर नीचे की तरफ मैं बेल हैंग करने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैंने बेल को एक थ्रेड में इंसर्ट कर लिया है। अब इस थ्रेड में हम डालेंगे कुछ बीड्स, जितने भी बीड्स आप डालना चाहे उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 बीड्स डाले हैं, और फिर पीछे की तरफ छोटे वाले जो लोटस था मेरा उसके ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया है, और फिर 2 बीड्स डाले हैं, और फिर मैंने बड़े वाले के ऊपर भी इसको पेस्ट कर दिया है, और ये मैंने पीछे की तरफ किया है। और ये
हो जाने के बाद इसको ड्राई करने के बाद ग्लू को, और फिर इसके ऊपर एक कलर का कोट भी कर देंगे ताकि ये अच्छे से नीटली दिखे पीछे से भी और गंदा सा ना दिखे। और वैसे भी अगर कार्डबोर्ड को हम ऐसे हैंग करेंगे तो वो ख़राब भी हो जाता है, और अगर कलर करेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। और ऊपर मैंने एक हैंग करने के लिए एक जो थ्रेड होता है उसी में बीड्स डाल के और उसको भी पेस्ट कर दिया था। और इसी के साथ साथ हमारा ये सुंदर सा शुभ लाभ बनकर बिल्कुल रेडी है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये पॉलिथीन ली है। एक्चुअली ये सभी के घरों में होती है, हम लोग इसमें कूड़ा वूड़ा फेंक देते हैं या सामान लाते हैं जब हमारे पास बहुत ही इकट्ठा हो जाती हैं, और मेरे पास भी बहुत सारी मैंने इकट्ठी कर ली थी। और कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करके जहाँ जहाँ से इसके जॉइंट्स हैं उनको कट कर लिया है। फिर मैंने कुछ इस तरह के यहाँ पर स्क्वायर्स बना लिए हैं, और जहाँ से जॉइंट था वहाँ पर कट करने के बाद ये ईजिली स्क्वायर बन चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ी वाली सुई ले ली है और उसमें थ्रेड डाल लिया है, और उसके नीचे की तरफ मैंने बांध ली है एक बेल। और बेल बांधने के बाद मैंने इनको एक एक करके कुछ इस तरह से स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है, और इस तरह के टांके लगा के इसको हम अंदर की तरफ डालते जाएंगे धागे में, और ऐसे ही हम सारे ही पीसेस को डाल लेंगे। और इसी के साथ साथ हमारा सुंदर सा एक गार्लैंड बनकर रेडी हो जाएगा। और देखिए ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसानी से बन जाता है, कोई भी इसको बना लेगा। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और देखिए कुछ इस तरह से पेटल बनाते हुए हमें इसके अंदर डालते जाना है। और मैंने थोड़ा बहुत बंच बनाया, उसके बाद मैंने एक बीट डाला था वाइट कलर का, और एक पॉम्पॉम डाला था, फिर से एक बीट डाल के, और ऐसी प्रोसेस रिपीट कर ली थी और एक लंबा सा स्ट्रिंग बना लिया था। और इसी के साथ साथ हमारा ये सुंदर सा गार्लैंड बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो वाइट हार्ट ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। उसके लिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड में से इस तरह के 3 सर्कल काट लिए हैं, और जो बड़ा वाला सर्कल था उसको मैंने हाफ में डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पर जो भी मेरे पास वेस्ट फैब्रिक पड़ा था, मेरे पास ये ग्रीन कलर का था तो मैंने इसी का यूज़ किया। आपके पास जो भी कलर का फैब्रिक हो आप वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और जो कार्डबोर्ड थे हमारे उनको कवर कर लेंगे, और कवर करने के बाद हम चारों ही पीसेस को सेम तरीके से रेडी करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है गोटा पट्टी लेस, और कुछ इस तरह से ये जो हाफ हमारे पास सर्कल था इसको कुछ इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। और अब ले लिए मैंने यहाँ पर जो ट्रायंगल वाली लेस होती है वो, और इसके नीचे की तरफ लगा दिया है, और जो सर्कल थे हमारे पास उसके ऊपर भी मैंने ये सेम लेस लगा दी है और इसको डेकोरेट कर दिया है। अब ले लिए मैंने कुछ मिरर्स यहाँ पर, और मिरर से भी इसको डेकोरेट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मिरर की जगह स्टोन वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। और मिरर को पेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। आप चाहें तो 7000 ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं या हॉट ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे चारों पीसेस बन चुके हैं। अब जो सर्कल थे हमारे पास छोटे वाले उसको, उसके ऊपर मैंने स्टोन चेन से एक के ऊपर लिख दिया है ओम, और एक के ऊपर लिख दिया है स्वास्तिक। अगर आप चाहें तो यहाँ पर शुभ लाभ भी लिख सकते हैं, बट वो आपको बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, या फिर जो शुभ लाभ के स्टिकर्स आते हैं वो भी आप इस पर लगा सकते हैं, वो भी काफी सुंदर लगेंगे। अब ले लिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉम्पॉम जो कि मेरे पास पुराने गार्लैंड के बचे हुए थे, तो ये एक हैंगिंग थी जो कि टूट चुकी थी तो मैंने सोचा इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो ये पॉम्पॉम मैंने इसके नीचे की तरफ लगा दिए हैं। अब इनको बारी आती है अटैच करने की, तो एक थ्रेड में मैंने डाल लिया है एक पॉम्पॉम, नीचे की तरफ मैंने जो हाफ सर्कल था उसको पेस्ट कर दिया है, और ऊपर की तरफ मैंने जो सर्कल था प्रॉपर और छोटा था उसको पेस्ट किया है, थ्रेड को पेस्ट किया है। और इसको एकदम नीट लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर फॉर्म शीट का टुकड़ा लिया है, और इसके एक सर्कल काट लिया और एक हाफ सर्कल काट लिया, और इसके ऊपर कुछ इस तरह से पेस्ट कर दिया है ग्लू की हेल्प से। और
इसको हैंग करने के लिए मैंने एक थ्रेड का लूप बनाकर ऊपर की तरफ पेस्ट भी कर दिया था। और इसी के साथ साथ हमारे ये सुंदर से दिवाली डेकोर बनकर बिल्कुल रेडी है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।